उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर कॉलोनी में ऑटो में बैठकर जा रहे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ ऑटो चालक और उसके दोस्तों द्वारा मारपीट करने और दाढ़ी काटने का मामला सामने आया है। मामला 11 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन घटना का वीडियो सोमवार 14 जून को वायरल हुआ। ऑटो सवार आरोपी मुस्लिम बुजुर्गों को एकांत स्थान पर ले गए थे और कमरे में बंद कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर निवासी अब्दुल समद बीती 5 जून शनिवार को लोनी के बेहटा हाजीपुर स्थित एक धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। वह दिल्ली गोल चक्कर से एक ऑटो में बैठे थे। आरोप है कि रास्ते में ऑटो चालक के कुछ साथी भी बैठ गए थे। ऑटो चालक और उसके साथी मुस्लिम बुजुर्गों को एकांत स्थान पर ले गए। वहां बुजुर्गों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की गई। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए कैंची से उनकी दाढ़ी काट दी, जिसमें बुजुर्ग किसी तरह वहां से छूटकर पुलिस के पास पहुंचा। वहीं सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। SHO लोनी बॉर्डर मदन पाल ने बताया कि पीड़ित ने गत 7 जून को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़ित अब्दुल समद ने सारा मामला पुलिस को बताया कि किस तरीके से उनके साथ यह हादसा हुआ। लोनी क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठाल के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पढ़ लिया एक इधर से पढ़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे। और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सियाराम के नारे लगाओ, सिया जय सियाराम जय सियाराम, और मैं अल्लाह अल्लाह कह रहा तो माल लगा गए और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे नहीं छोड़, में हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, मैं चिल्ला गया तो जब भी मार लगा रहे चुप हो और मैं अल्लाह कह गया तो कह भाई कि तू मंत्र पढ़ रहा है हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी चार के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने, और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से माल लगाई और मतलब लठ लठ था लठ मारे, मैं रो गया चिर गया तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चल घबराइए मत, घबराइए दोस्तों। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका कि नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूपशहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गाँव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पर जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पूरे मामले में जो भी और
कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।